स्केयरसिटी और अबंडेंस, इस पे फर्क यह है कि स्केयरसिटी से वैल्यू आती है। अभी ये लोग जो खाने का शॉर्टेज, इसका शॉर्टेज बोल रहे हैं, सब चीज़ का शॉर्टेज, पेट्रोल का शॉर्टेज, ऑक्सीजन का शॉर्टेज, वो गलत है, क्योंकि खाने का शॉर्टेज कभी भी नहीं हो सकता है अनलेस वॉल्केनो आ जाए और सब कुछ जल जाए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने जिधर भूखमरी सैंक्शन के वजह से हुई थी, नॉर्थ कोरिया ने पूरा रास्ते पे कंदमूल प्लांट किया था, सब जगह खाने का पेड़ लगाया था, फ्रूट्स वेजिटेबल, और उसको कुछ मेहनत नहीं लगता है, वो अपने आप उगता है, सिर्फ प्लांट करने का रहता है। तो उधर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और थोड़ी भूखमरी थी, ऑस्ट्रिच पालने लग गए, क्योंकि मुर्गी से वो लोग का कुछ नहीं होता है, तो ऑस्ट्रिच पाले वो लोग। तो उधर कैसा, लड़के लोग, बच्चे लोग, किसी को भी भूख लगा तो खोद के मूला खा लेते थे। तो खाने का शॉर्टेज कभी भी नहीं हो सकता है। सब जगह आम का पेड़ लगाओ, फ्रूट्स का पेड़ लगाओ, सिर आम का गुठली डाल दिया, आम का पेड़ अपने आप आता है और उसको कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, सबका पेड़ अपने आप आता है, जामुन का, काजू का, मेरे खेत में, और फल आता है उसमें, और उधर पूरा एरिया में है, पूरा पर्वत पे सबका आम का पेड़, जामुन का, काजू का, पेरू का, सब अलग अलग पेड़ है और फ्रूट्स आता है उसको, कोई खाता भी नहीं है, इतना पड़ा रहता है वो। अभी हम लोग जाते हैं कभी कभी तोड़ने, तो नीचे गिरा रहता है और आदिवासी बच्चे तोड़ते हैं, बट मोस्टली पड़ा रहता है वो। तो खाने का शॉर्टेज का जो थ्योरी बनाया है वो स्कैम है। और सद्गुरु भी बोलता है कि वो रात को खाना नहीं खाता है, सारे योगी लोग बोलते हैं खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, ये भी बोलता है खाना मत खा, वो भी बोलता है खाना मत खा। तो सब लोग जब बोलते हैं खाना मत खाओ तो शक होने लगता है कि अपने हेल्थ के लिए बोल रहे हैं कि हेल्थ खराब करने के लिए बोल रहे हैं। और तुमको मालूम है, सद्गुरु बोल रहा था वैक्सीन लगाओ, सारे सेलिब्रिटी बोल रहे थे वैक्सीन लगाओ, सारे डॉक्टर्स बोल रहे थे वैक्सीन लगाओ, रिलीजियस लीडर्स बोल रहे थे वैक्सीन लगाओ, पॉलिटिशियन बोल रहे थे वैक्सीन लगाओ। तो जब सब लोग एक सुर में बोलते तो इनको कुछ खिलाया गया है कि सब लोग वाह 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 करने लगते। मुझे फास्टिंग का इतना शक नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इकोनॉमिक फोरम का वेबसाइट पे देखा कि महीने में 4 बार फास्टिंग करो, कंपलसरी होगा, तो इकोनॉमिक फोरम कब से गरीबों की चिंता करने लग गया, मतलब स्कैम है। खाने का शॉर्टेज कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री ने रास्ते पे, जमीन तो इधर पड़ा है, रास्ता डामर का है, बाजू में मिट्टी है, उधर पेड़ लगा दो, फल अपने आप आएगा, उसको कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता है, अपने आप बड़ा होता है, सस्टेन होता है। अभी मेरा खेत में और उधर पूरा पहाड़ पे लोगों का प्रॉपर्टीज है, उधर कोई पानी डालता नहीं है, मैं भी कभी पानी डालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा पेड़ है वो, और
कोई पानी नहीं डालता है, कुछ नहीं। पेड़ अपने आप रहता है, फल अपने आप देता है, जाके तोड़ने का है। इतना ज़्यादा फल का अबंडेंस है कि मेरे को 4-5 बार हापुस अम्बा का 3-4 पेटी दिया। ऐसा ही सोसाइटी का जो मतलब प्रोजेक्ट का मैनेजर है उसने, मैं गया, मेरे साथ 3-4 जन थे, सबको एक एक दो दो हापुस अम्बे का पेटी दिया। 500-1000 रुपये का था वो, अभी मेरे को मालूम नहीं कितने को आता है हापुस अम्बा, पर उधर आम ऐसा पड़ा है, उधर कोई ध्यान भी नहीं देता। अफकोर्स वो लड़का लोग थोड़ा चोरी करके बेचता रहेगा क्योंकि हापुस अम्बा काफी कॉस्टली है, बट इतना पड़ा रहता है उधर कोई ध्यान भी नहीं देता है। हापुस अम्बा आया, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े प्लॉट है, तो ऐसा बहुत सारा हापुस अम्बा निकलता है, वो लोग को भेजता है, वो लोग अपने दोस्तों में बांटते हैं, मैंने अपने दोस्तों में बांटा, पड़ोस में बांटा, क्योंकि इतना सारा अम्बा खा नहीं सकता है और हमारा धंधा नहीं है कि हम लोग बेचें। तो खाने का शॉर्टेज इज ए इल्यूजन, मिथ है, क्योंकि मैंने देखा है। मैं जमीन खरीदने गया, बहुत सारा जमीन देखा, उधर अलग अलग फ्रूट्स का पेड़ था, फ्रूट्स आता है, कोई हाथ भी नहीं लगाता है, उनका एक केयर टेकर रहता है और कोई हाथ नहीं लगाता। हम लोग ने एक गांवठी आंबा, जंगली आंबा, जंगली आम अलग रहता है, उसका तेल इतना स्ट्रांग रहता है ना कि ऐसा थोड़ा टच करेगा इधर फट जाएगा, इतना स्ट्रांग तेल रहता है उसका, फट जाएगा वोट। तो हम लोग को फ्री में मिला इसलिए हम लोग ने पिछवी भर भर के लिया। वो बोल रहा था लेके जाओ लेके जाओ, और बहुत सारा चीज था, लेके जाओ बोल रहा था, क्योंकि उधर पड़ के सड़ जाएगा, और वो लोग क्या बेचते बेचते नहीं है, क्योंकि उधर अबंडेंस में है, उसका कीमत ही नहीं है। जब अबंडेंस में होता है तो वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए स्केयरसिटी का कंसेप्ट तैयार करके इसको वैल्यू लाया जाता है। और यही कंसेप्ट पेट्रोल बिजली सब में इम्प्लीमेंट किया है। अभी कब से बोल रहे हैं खाने का शॉर्टेज है, खाने का शॉर्टेज है, 1-2 साल हो गया रहेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में आया है खाने का शॉर्टेज, खाने का शॉर्टेज। चल मैं शॉपिंग करने जाता नहीं है भाजी पाला, तो मुझे भाव नहीं मालूम, बट मुझे नहीं लगता है खाने का शॉर्टेज हो सकता है, अनलेस देर इज वॉल्केनो, सब कुछ जला डाला तो होगा। लेकिन जमीन इतना पड़ा है, गुठली डाल आम का पेड़ आएगा और उसको तुमको पानी डालने का नहीं है। हमारा पीछे है बहुत सारा पेड़ बिल्डिंग के, कोकोनट का भी है, नारियल आता है, तो ऐसा बहुत सारा हमारा बिल्डिंग में है, सोसाइटी में है, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता, ऐसा ही पड़ा रहता है। तो इतना जमीन पड़ा है, बीज डाल दो, बारिश आएगा, पेड़ आएगा, तब तक बड़ा होएगा 3-4 महीने में, फिर वो सेल्फ सस्टेनेबल रहता है, फ्रूट्स हर साल देता है, हर 2 साल या हर साल भी देता है। तो करना कुछ नहीं है, इतना आसान है।